गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चार डिफरेंट तरीके के रायते बनाना। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं वेज रायता। इसके लिए आपको चाहिए बीटन कर्ड, जो आप एक कटोरी ले लीजिए। उसमें ऐड कीजिए एक टेबलस्पून बारीक कटा हुआ ककड़ी, एक टेबलस्पून टमाटर, एक टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज, एक हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया। इन सबको आप बीटन कर्ड में ऐड कर दीजिए और अच्छे से मिक्स करिए। उसके बाद आप ऐड कीजिए चुटकी भर भुना जीरा पाउडर, चुटकी भर लाल मिर्ची, सॉल्ट टू टेस्ट और इन सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और ये देखिए, आपका वेज रायता तैयार है। ये वेज रायता आप खाने के साथ और बिरयानी के साथ सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है बूंदी रायता। इसके लिए एक बोल बीटन कर्ड में हाफ बोल आप बूंदी ऐड कर लीजिए और उसमें ऐड कीजिए थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची और हरा धनिया। अब इसमें ऐड कीजिए आधा चम्मच शक्कर, चुटकी भर लाल मिर्ची, चुटकी भर भुना जीरे का पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट और सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आपका बूंदी रायता तैयार है। नेक्स्ट है मिक्स फ्रूट रायता। इसके लिए एक बोल में बीटन कर्ड ले लीजिए, उसमें ऐड कीजिए एक टीस्पून केला, एक टीस्पून पाइनएप्पल, एक टीस्पून एप्पल, थोड़े से ग्रीन ग्रेप्स और थोड़ा सा अनार। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसमें चुटकी भर काला नमक, चुटकी भर चाट मसाला, चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट डालकर अच्छे से मिक्स कीजिए और आपका फ्रूट रायता तैयार है। इसे गार्निश करने के लिए आप अनार के दाने यूज़ कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे क्यूकम्बर रायता। इसके लिए एक बोल बीटन कर्ड में ग्रेट किया हुआ आधा बोल क्यूकम्बर ऐड कीजिए या ककड़ी ऐड कीजिए। अब इसमें ऐड कीजिए जीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्ची पाउडर और काला नमक। सबको अच्छे से मिक्स करके सर्व कीजिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को टू गेट बेस्ट होम रेमेडीज एंड फूड रेसिपीज। यू नेक्स्ट वीडियो।